अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1D है, क्लास 7 की मैथ की। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने हमें एक टेबल बना के दिया हुआ है। यू एक्स है और वाई, उसमें उसने हमें जो वैल्यू दे दी है 1 to 4 1 2 4, और यहाँ उसने हमें 80 दे दिया। उसके बाद जो लास्ट दो वैल्यू हैं वो 0.08 है और 0.01 है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये ऊपर वाली सारी वैल्यू x की है, नीचे वाली सारी वैल्यू y की है। ऊपर जो स्टेटमेंट वो उसने हमें दे दी, स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है गिवन दैट t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह रहे हैं s क्यूब। T is inversely proportional to S cube. जब भी inverse proportional तो 1/i, यानी 1 ऊपर होगा, उसके नीचे denominator में वही letter होगा जो उसके inversely proportional होगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि proportionality का जो equal लगा के constant लगाते हैं, sign of proportionality को हटा देते हैं, 1 over S cube। इसको मजीद थोड़ा सा simplify करते हैं, K1 से K हो जाएगा और नीचे S cube आ जाएगा, इसको हम equation मान लेंगे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बता दूं कि हमारे पास जैसे 10 लोग हैं और हमारे पास इसमें क्या है कि 30 एप्पल है। अब हर बंदे को कितने कितने मिल रहे हैं, 3-3 मिल रहे हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि मैंने बंदे 15 कर दिए, बंदे बढ़ा दिए, तो एप्पल तो क्या है 30 है। हर बंदे को कितने यहाँ मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, और यहाँ पर देखो कितने हर बंदे को मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ पर पर्सन जो है क्वांटिटी कम होगी, जबकि यहाँ पर क्या हुआ जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको मैंने बढ़ाया, सेकेंड वाली कम। दूसरी मेरे पास कंडीशन क्या होती है कि मैं 5 कर देता हूँ बंदे, यानी क्या कर दिया मैंने बंदे 5 कर दिए। अब मैंने क्या कर दिया कि जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें कमी की है, जब कम कर दिया तो अब मेरे पास जो एप्पल है वो 30 है, लेकिन अब पर पर्सन कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट क्वांटिटी 10 थी, 10 से 5 की कम की, तो यहाँ 3 से 6 हो गया, इस तरफ की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई है। तो इधर की बढ़ाने से इधर कमी हुई, इधर कमी करने से इधर बढ़ गया, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक क्वांटिटी जो है दूसरे के साथ इस तरह तब्दील हो रही है। अब हमारे पास जो है उसे टेबल दे दिया, जब भी इस तरह का टेबल का कोई क्वेश्चन हो, जिस तरह के 1AB में भी इस तरह के हैं, उसमें सबसे पहले हमें वो दो वैल्यू पिक करनी है जहां x और y दोनों गिवन है। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, y भी गिवन है, बाकी यहाँ पे देखें x गिवन है दोनों में, दोनों में y नहीं है, दोनों में y गिवन है, x नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने वो वैल्यू पिक करनी है जो दोनों गिवन है। x मेरे पास कितना है जी, 1 है, और y मेरे पास कितना है, 80 है। अब मैंने क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, x और y नहीं था मेरे पास, एक सेकेंड, इसमें एस होती है, सॉरी वो गलती से मैंने एक्स और वाई लिख दिया, एस और क्या है टी है, एस और क्या है टी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एस की वैल्यू है और ये मेरे पास क्या है, टी की वैल्यू। अब मैं पुट कर दूंगा जो एस टी है उसकी जगह 80 पुट करूंगा, आगे इक्वल का साइन, के मेरे पास इसी तरह आ रहे क्योंकि मैंने फाइंड करना है, और एस की जगह 1। अब देखिए 1 का क्यूब ले लिया जाए तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 ही होता है, जब ये 1 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 से 80 हो जाएगा, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है, यानी के मेरे पास आ गई। जब आप ये फाइंड कर लेते हैं तो फर्दर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो टेबल के अंदर वैल्यू होती है उनको फाइंड करना होता है। अब मेरे पास एस जो है वो मेरे पास कितना है जी, ये देखिए एस मेरे पास 2 है, टी मैंने क्या करना है फाइंड करना है, के मेरे पास कितना है जी, 80 है। फ्रॉम यानी पहले वाली इक्वेशन को मैंने ले लिया, पहले वाली इक्वेशन क्या है, टी है, टी मैंने फाइंड करना है तो मैं इसी तरह लिख दूंगा, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दूंगा, के के मेरे पास 80 है, 80 पुट कर दिया, नीचे मेरे पास क्या है जी, एस, एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2, और 2 के ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल दूंगा, टी इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। अब आप 8 कैसे आए, अब क्योंकि 2 की पावर 6 है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 हो गया, 2 2 4 4 2 8, तो 8 10 80, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 10, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10। अब मैंने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लूंगा, एस इज इक्वल टू मेरे पास 4 है,
टी का बॉक्स खाली है, जी मैंने फाइंड करना है कि मेरे पास कितना है, जी 80 है फ्रॉम वन, अगेन मैं कोई नंबर वन को लूंगा, टी टी मैंने फाइंड करने टी टी मैंने फाइंड करने टी, इसी तरह आगे इक्वल का साइन के, के की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 80, नीचे मेरे पास क्या एस, एस की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4, और 4 के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 80, और 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 जो है वो 3 टाइम है, 4 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 64 होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि 64 को डिवाइड करता हूँ किससे, 80 डिवाइड बाय 64, तो मेरे पास आ जाएगी 1.25। अब मैं यहाँ लिख दूंगा 1.25, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास देखिए क्या है, एस का बॉक्स खाली है, एस मैंने क्या करना है फाइंड करना है, टी मेरे पास कितना है 0.08 है, के मेरे पास कितना है जी 80 है फ्रॉम वन, यानी पहले वाली गोलियों को मैं ले लूंगा, वो मेरे पास क्या है टी, टी मेरे पास कितना है 0.08 है, तो टी की जगह 0.08। आगे देखिए मेरे पास क्या इक्वल का साइन है, मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा, ऊपर मेरे पास देखिए यहाँ कितना है के है, के की जगह मैं 80 लिख दूंगा, और नीचे मेरे पास क्या है एस क्यूब है, एस क्यूब क्यों मैंने फाइंड करना है, तो एस क्यूब इस तरफ आ जाए। अब एस क्यूब को मैं इस तरफ ले आता हूँ, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 80, और इधर क्या आ जाएगा 0.08। अब मैंने सिंपल क्या करना है, जो मेरे पास एस क्यूब है इसको मैं क्या करता हूँ जी डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ। अब एस क्यूब इज इक्वल टू 1000, 10 × 10 × 10, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 1000 होता है, इसलिए मैं इसे इस तरफ लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहां मेरे पास 3 है ना, तो 10 की पावर भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, जब 3 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी एस की पावर 3 है इधर भी क्यूब रूट ले लूंगा, और 10 की पावर 3 है तो इधर भी क्यूब रूट ले लूंगा, इधर इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, यहां मैं क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 0.01, अब मेरे पास जो टी है 0.01 है, और एस मैंने फाइंड करना है कि मेरे पास क्या है 80। अब देखें फ्रॉम वन यही वैल्यू को लेकर टी, टी की जगह मैं क्या पुट करूंगा 0.01 इज इक्वल टू के की, देखें क्या है के है, के की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 80, और नीचे मेरे पास क्या है एस क्यूब, एस क्यूब मैं इसी तरह लिख दूंगा, तो मैंने एस क्यूब फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं पॉइंट खत्म करने लगा, थोड़ा सा मजीद आपको सिंप्लीफाई करें, ये देखो पॉइंट ये का 1 लगूंगा कि दो नंबर है तो क्या आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 1/100 मेरे पास आ गया और इज इक्वल टू 80 बाय एस क्यूब। अब एस क्यूब इस तरफ को एस क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एस क्यूब हो जाएगा, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरफ हो गया एस क्यूब इज इक्वल टू 8000 हो गए। अब जब 8000 हो जाएगा तो अब मेरे पास इसका मैं दोनों तरफ क्या करूंगा क्यूब करूंगा, जब एस क्यूब इज इक्वल टू देखिए 20 20 20, अब इनको तीन दफा मल्टी 20 को तीन दफा मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या होता है 8000 है, कैसे 2 2 4 4, अब देखो आपके जेब में होगा कि मुझे कैसे पता चला कि 20 20 20, क्योंकि जो 8 होता है 8, जैसे कि पहले मैंने क्वेश्चन कराया 8 तो 2 की पावर 3 लिखा था, 2 की पावर 3 जो कि किसकी इक्वल होता है 8 की इक्वल, यानी 2 × 2 × 2 तो क्या होता है 8 होता है, तो 8 तो मेरे पास बन जाएगा, 2 कितनी है 3 है, तो इस 8 के साथ 3 0 भी है, तो इसलिए हर 2 के साथ मैंने 0 0 लगा दिया, तो ऐसे मुझे पता चल गया कि ये 20 आएगा। अब यहाँ क्या हो गया एस क्यूब और इधर क्या आ गया 20 का क्यूब, अब मैंने क्या करना है जो एस क्यूब है इस तरफ भी क्यूब रूट ले लेना है और 20 पर भी क्या ले लेना है क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब से क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब कैंसिल, एस इज इक्वल टू 20, तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा 20, तो इस तरह मेरे पास क्या हो जाएगा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था जिसमें इस 1000 किस तरह आया, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरा वीडियो को पीछे पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेने, चल मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह इधर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब मेरे पास टेस्ट ये था ना 0.08 is equal to 80 over s cube. तो अब देखो ऐसे होगा, इसका मैं पॉइंट खत्म करूंगा, पॉइंट के लिए का मान आगे दो जीरो है, तो 8 over क्या आ गया मेरे पास 100, 80 over s cube. अब क्या होगा, ये s cube इस तरफ को आ जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, s cube इधर आ जाएगा, जब ये वाला उधर जाएगा ना तो ये उलट जाएगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसने इधर जब जा रहा है तो ये फ्लिप हो जा रहा है. अब 8 tensor 80, तो s cube is equal to ये देखिए 10 into 100, तो s cube हमारे पास कितना आ गया 1000. ये इस तरह 1000 हो, इसको बाद इस तरह हमने सॉल्व किया, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.